नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। जागेश्वर महादेव मंदिर पर समाजसेवी विजय उपल ने चढ़ाया ब्रह्म कमल। कैलाश मानसरोवर में उगने वाले ब्रह्म कमल के बारे में कहा जाता है कि इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाना सबसे श्रेष्ठ है, जिसके चलते आज समाजसेवी विजय उपल एवं ओएन शर्मा ने अन्य धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ जागेश्वर मंदिर पहुंचकर वहां पर ब्रह्म कमल चढ़ाया। कैलाश से आए हुए ब्रह्म कमल आया था, उसको हमने जागेश्वर महादेव यात्रा मंदिर आज अर्पण किया। यहाँ पर गुना के सारे ब्रह्मा नागरिक होते थे कार्यक्रम में। क्या है ब्रह्म कमल और काय के लिए यहाँ पर? ब्रह्म कमल ये बहुत दुर्लभ पुष्प है और ये बर्फ में पाया जाता है और काफ़ी हाइट पे पाया जाता है। आजकल तो प्राय नष्ट होते जा रहा है। हर बार एक सदस्य हम लोग पल परिवार से एक निजी कार्यक्रम, इसमें एक अध्यात्म और ईश्वर की सेवा से जुड़ा कार्यक्रम था। उसमें हमारे आदरणीय उपल भाई साहब के द्वारा एक प्रकृति में ऐसे कमल जिसको ब्रह्म कमल नाम दिया गया है, उस कमल को अगर हम भगवान भोलेनाथ को सेवा अर्पण करते हैं तो बहुत उत्तम फल बताया गया इसका। ऐसे कार्यक्रम के लिए उन्होंने बताया, अद्भुत है उनका हमेशा सहयोग और कार्य समाज सेवा के लिए। आदरणीय उपल जी को वैसे अद्भुत कार्य करते रहते हैं, शामिल होने का मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मतलब पार्टी तक उनके पूरे परिवार को। कल मंच पर हुए बमोरी विधायक के साथ धक्का मुक्की के विरोध में आज बमोरी विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कल की घटना की कड़ी निंदा करते हुए विधायक ने कहा कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को उस कार्यक्रम में ना तो बुलवाया गया और ना ही आमंत्रण पत्र दिया गया। इसके साथ ही सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लोकार्पण की शिलालेख पर भी नहीं था, जबकि फोर लेन सेंक्शन कराने में सिंधिया का सबसे बड़ा हाथ माना जा रहा है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया के इशारे पर कल की घटना हुई जो उनके साथ धक्का मुक्की की गई, साथ ही मध्य प्रदेश सरकार का तानाशाही रवैया उसका आपको साफ देखने को मिल सकता है। विधायक ने यह भी कहा कि गुना कलेक्टर बीजेपी की हाथ की कठपुतली है और वह निर्दोष है। इसके पीछे का जो मुखोटा है वह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जयभान सिंह पवैया का है। विधायक महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रभारी मंत्री जयभान सिंह पवैया को मानसिक विकृति है, जिसके चलते वह सिर्फ उलझुल बातें ही करते रहते हैं। साथ ही यह भी कह डाला कि जिला प्रशासन बीजेपी के हाथों से चल रही है। विधायक ने कहा कि जब अंग्रेजों का जमाना था तब इस तरह की घटनाएं आम थी, लेकिन अब अंग्रेजों का जमाना नहीं है, भाजपा के खिलाफ कड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में प्रचारित हुई और जिसका संदेश पूरे देश में प्रसारित किया जा रहा है, मोटी मोटी चीजें मैं आपके सामने रखूंगा मेरे भाइयों कि 2012 में हमारे श्रद्धेय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने 27 जून 2012 को शुपरी में तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी के साथ शुपरी में फोर लेन का विधिवत भूमि पूजन किया था। और 2012 में कांग्रेस की यूपीए सरकार में ही ये फोर लेन स्वीकृत की गई। जिस व्यक्ति की अनुकंपा से, जिसकी मेहनत से, जिसकी लगन से ग्वालियर से लेकर देवास की ये 3500 करोड़ रुपए की फोर लेन स्वीकृत हुई और जिस व्यक्ति का संसदीय क्षेत्र है, अगर उसके लोकार्पण कार्यक्रम में उन्हीं को आमंत्रित नहीं किया जाए और जनता
से 4 लेन का श्रेय लेने का प्रयास किया जाए, ये कहां तक न्याय उचित? कल कांग्रेस पार्टी ने इस बात पे आपत्ति जताई और माननीय गडकरी जी को ज्ञापन देने की चेष्टा की, किंतु पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस पार्टी के लोगों को ज्ञापन नहीं देने दिया गया। देखिए, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हो। वो तो मैं समझता हूँ कि मानसिकता से सठियाए हुए व्यक्ति हैं जयमान सिंह जी, और ये उनके बारे में क्या बोलूँ, सब दुनिया को आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमसे कलेक्टर ने नहीं पूछा कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, जयवर्धन सिंह जी से भी नहीं पूछा कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, तो फिर सिंधिया जी से आपने पूछा और फिर नाम नहीं डाला और हमारा नाम डाल दिया। प्रशासन तो कठपुतली है। कल माणक अग्रवाल जो आपके प्रदेश प्रवक्ता है, उन्होंने बोला था कि हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे कलेक्टर की, तो क्या हुआ कल से आज तक? नहीं, उस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं कल भोपाल, मुझे कमलनाथ जी ने बुलाया है और कल जाने के बाद हमारी विधायक दल की मीटिंग भी है और उस मुद्दे पर क्या बात होती है, क्या निर्णय होता है, किंतु ये बात अवश्य है कि ये मुद्दा हल्का नहीं रहेगा। उस मुद्दे पर शिकायत नहीं की गई अभी तक चुनाव आयोग से? नहीं, अभी मेरी जानकारी में नहीं है। होगा तो प्रजातंत्र में कहां तक अन्याय झेलेंगे? अंग्रेजों का जमाना होता तो अलग बात थी, आज हम अपने देश में ही अगर अन्याय का सामना कर रहे हैं तो एक जन आंदोलन ही तो हमारी एक वो है, एक हथियार है। अभी कुछ घटना हो रही है, ये माननीय सिंधिया जी का जो आभा मंडल है जो मध्य प्रदेश में है उसको दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे घबरा कर ये माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरह के काम कर रहे हैं। और मैं आपको एक वाक्य बताऊँ कि जब गोपाल भार्गव जी प्रभारी मंत्री जी ने एक कार्यक्रम में भूमि पूजन इत्यादि किए थे, तब उन्हीं की विधायक ममता मीना जी ने उस कार्यक्रम का बहिष्कार करके उठ के गई थी। वो मेरे बमोरी में 110 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन जवान सिंह पवैया ने किया, क्या विधायक का नाम डाला था शिलापट्टिका पर? नहीं डाला था। बताया गया था कि कार्ड में उनका नाम भले ही ना हो मगर शिलालेख में क्षेत्रीय सांसद का नाम उल्लेखित किया गया है, क्योंकि NHAI सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो विज्ञापन दैनिक भास्कर में प्रसारित हुआ उसमें माननीय सांसद श्रीमान सिंधिया जी का नाम था। जब लोकार्पण हुआ और मैंने शिलालेख की ओर देखा और पाया कि सांसद सिंधिया जी का नाम उसमें नहीं है, तो मैंने वो कार्ड लेकर और जाकर गडकरी जी से इस बात की शिकायत की कि जिनके प्रयासों से ये 4 लेन स्वीकृत हुई है, जिनके संसदीय क्षेत्र में ये कार्यक्रम हो रहा है, उन सांसद सदस्य को नहीं बुलाना क्या प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं है? आदरणीय गडकरी जी को उत्तर देते, उससे बीच में ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विधायक जी आप कलेक्टर से बात करिए। मैंने कहा ये कार्यक्रम कलेक्टर का नहीं है, ये कार्यक्रम NHAI का है जो केंद्र सरकार के अधीनस्थ आती है। और उस बात पे मुख्यमंत्री जी ने कहा नहीं नहीं आप बाद में बात करेंगे, आप अभी जाइए। और वहाँ से मैं निकला और निकलने के बाद चूंकि सांसद का या विधायक का अपमान नहीं था बल्कि संसदीय क्षेत्र की समस्त जनता का अपमान हो रहा था, तो वो मुझे नागवार गुजरा और मैंने डाइस पे जाकर और जनता को संबोधित किया कि जिस व्यक्ति ने हमको 4 लेन स्वीकृत कराई, जो क्षेत्र के सांसद श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं, उनको नहीं बुलाया है, इसलिए मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता हूं। कि वहां जो कमांडो लगे हुए थे, जो PSO लगे हुए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्याते हुए नीचे तक ले गए। और मुझे किन्हीं लोगों ने ये भी बताया कि मेरे प्रतिद्वंदी पूर्व मंत्री कन्हैयालाल अग्रवाल, हालांकि मैंने वीडियो नहीं देखा है मगर ऐसा लोगों ने बताया है कि कन्हैयालाल अग्रवाल ने भी मुझे पीछे से धक्का दिया है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, इसकी निंदा करता हूं। सरकार इस तरीके का ना करे, झूठा श्रेय लेने का प्रयास ना करे, और जो प्रोटोकॉल नोटिफाइड है सरकार से, उस नोटिफाइड के तहत सभी निर्वाचित सम्माननीय सदस्यों को उनका सम्मान दिया जाना। उनके साथ हमने उनके PA को खुद फोन किया था, उनका डायरेक्ट मोबाइल हमारे पास है नहीं, हमने भी दिया नहीं गया है। उनके PA, उनके जो मित्र सहायक हैं, उनको हमने फ़ोन किया था और उस दिन अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था संसद में, तो
सांसद महोदय उसी में व्यस्त थे। उनके पीए को 2-3 बार हमने जब कंफर्म करने के लिए किया तो उन्होंने बताया कि सांसद जी कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उस कारण से हमने उनका आमंत्रण पत्र में नाम नहीं डाला और उनसे बाकायदा उनको बताया गया है, आमंत्रण पत्र की कॉपी भी उनको भेजा गया है। 20 तारीख को जब कार्यक्रम हुआ डिसाइड तो उसके बाद भी उनके ऑफिस को भी जानकारी वो गलत था। मंच पे वो इनवाइटेड थे, मंच पे अगर आते और पिछले 2 दिन से वो हमसे बात कर रहे थे, आज भी उन्होंने बताया कि वो सीएम साहब से बात करना चाह रहे हैं, तो हमने सारी इश्यूज़ पे बात की, बट ये विषय उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। हमसे पहले बात करते तो हम उनके अच्छी तरह से पूरी जानकारी दी। जाटपुरा स्कूल में इन दिनों फैली हैं अव्यवस्थाएं, पूरा स्कूल परिसर इन दिनों कीचड़ में तब्दील हो गया है। विगत कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते यहां पहले ही कीचड़ था, आज यहां पर किताबों से भरा एक ट्रक आकर कीचड़ में फंस गया। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश के चलते किताबें भी खराब होने का अंदेशा बना हुआ है। अभी तक ना तो प्रशासन की ओर से कोई ध्यान दिया गया और ना ही कीचड़ साफ कराया गया, साथ ही शिक्षा विभाग की तरफ से कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की गई है। वहीं इस कीचड़ में बच्चे कैसे पढ़ने जाएं इसके बारे में भी ना तो शिक्षा विभाग सोच रहा है और ना ही जिला प्रशासन। किताबों का ट्रक चलती जिला केंद्र का मेन स्कूल माना जाता है, सिटी में मेन स्कूल है, सिटी में मेन स्कूल है जो कि शासकीय बालक माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 जाटपुरा में है, किंतु यहाँ पर जिला शिक्षा केंद्र है और यहाँ पर इस महाविद्यालय में कीचड़ हो रही है, किंतु यहाँ पर ना तो डीओ का भी ध्यान है ना किसी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान है। वहीं हम स्कूल में छात्र किस प्रकार से पढ़ने आएंगे ये देखने को बनता है। यहाँ पर ट्रक भी फंस गया, पुस्तकों का ट्रक फंस गया, 1-2 घंटे में अब ये ट्रक निकलेगा, इसमें पुस्तकें कब उतरेंगी, इस प्रकार से बिल्कुल जिम्मेदारी का कोई ख्याल नहीं रखा गया। पानी भी गिर रहा है, कीचड़ इतनी जोर से हो गई है के बहुत जोर से कीचड़ हो रही है, इसमें बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार जिम्मेदारी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। तो इसमें कोई व्यवस्था ऐसी दिख नहीं रही है जैसे किताबें पूरी गीली हो जाएंगी फिर क्या होगा ये फंस गया ट्रक। विद्यालय में जिस प्रकार से किताबों का ट्रक आया बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं है, अगर बारिश में किताबें खराब हो जाएंगी तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। शासकीय पैसा कोई सरकार नोट छापती नहीं है, ये इन यहाँ के गरीब लोगों से फीस ली जाती है और उसका जो यहाँ पर कर्मचारी भी काम कर रहे हैं इसका टैक्स दिया जाता है, तब जाके छात्रों की फीस से किताबें आई हुई हैं, इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। दबंगों के आतंक के चलते एवं पुलिस प्रशासन की अनदेखी के चलते एक किसान बैठा आमरण अनशन पर। चक पारसी खेड़ा का रहने वाला ये किसान पंजाब से गुना आया था। इसने फतेहगढ़ थाना अंतर्गत चक पारसी खेड़ा में 75 बीघा जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा था, जैसे तैसे उसने कोर्ट की लड़ाई लड़कर अपने हक में फैसला लिया। इसके बावजूद भी दबंगों का आतंक इतना है कि उसकी खड़ी फसल को कटवा दिया जाता है या फिर आग लगवा दी जाती है। किसान इतना परेशान है कि वे आमरण अनशन पर बैठ गया है, साथ ही अपने परिवार को उसने वापस पंजाब भेज दिया है क्योंकि किसान का अंदेशा है कि यहां पर कोई भी अनहोनी हो सकती है। किसान का यह भी आरोप है कि पुलिस प्रशासन को आवेदन देने के बाद भी ना तो पुलिस की ओर से उन्हें कोई सहायता मिली और ना ही दबंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके विपरीत दबंग उसे कई तरह की धमकी देता है और साथ ही बोलता है कि यहां पर रहने नहीं दिया जाएगा। आज से नगरपालिका परिसर के सामने यह किसान आमरण अनशन पर बैठ गया है। देखने लायक होगा कि क्या अब इसकी बात पुलिस प्रशासन या फिर जिला प्रशासन के आला अधिकारी सुनते हैं या ये आमरण अनशन ऐसे ही चलता रहेगा। रही है किस्मत धन वालों की, हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की, हर सरकार नजर आती है मंडी भूमि दलालों की। अपने खून पसीने से जिसने है धरती को सींचा, अपने बैल थके तो हल को जिसने अपने कंधों पर खींचा, बैल थके तो हल को जिसने अपने कंधों पर खींचा, उस धरती का मूल्य जान लो ये तुम में तासीर नहीं। जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, 2 बार मेरी फसल को नष्ट कर दिया गया है। कहाँ पे है आपकी जमीन? मेरी जमीन ग्राम चकपार खेड़ा थाना फतेहगढ़ तहसील बमोरी जिला गुना में।
तो आप ये अनशन पे बैठे हैं क्या? बिल्कुल भी आप अंत्याग कर दीजिए। हाँ, आपसे मैंने बिल्कुल अंत्याग कर दिया। हाँ, क्या समस्या आ रही है इसमें आपकी, ये फसल खराब करी जा रही है? समस्या मेरी आ रही है उसकी FIR दर्ज करवाई है दबंगों के खिलाफ, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, ना उनको गिरफ्तार किया गया है, ना उन्हें कुछ सजा दी गई है, ना उन्हें धमकी दी गई है क्यों तुम नुकसान करते हो। मैंने बार बार आवेदन SP साहब को, कलेक्टर साहब को दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और विपक्षी वो पार्टियां ये कहती हैं, उन्होंने एक वीडियो भी वायरल किया था जिसमें मुख्यमंत्री के साथ बैठ के कि हमारे तो उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं, सरदार जी हमारा क्या कर लोगे, तुम्हें तो इस गांव से निकाल के ही छोड़ेंगे। आपकी कितनी ज़मीन है? मेरी 75 बीघा ज़मीन है। अच्छा, इसमें आपके परिवार को और आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्याओं का सामना ये करना पड़ता है कि हमको घर में, अपने घर में नहीं रहने दिया जा रहा, हमको हमें खेती नहीं करने दी जा रही, कहाँ से हम अपने बच्चों को पालें, कहाँ से हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, क्या खाएं, कहाँ जाएं? आपकी फैमिली भी इधर ही है? फैमिली मेरी इधर थी, लेकिन अभी मैंने फैमिली को वापस भेजा है पंजाब, क्योंकि मुझे खतरा है, मुझे खतरा है कल को कोई अनहोनी घटना नहीं हो जाए। अब मेरे साथ हो जाएगी तो चलो मैं, ये अलग बात है, लेकिन मैं परिवार के साथ सहन नहीं कर सकता। और इसका आप मुकदमा था जो आपका जो कोर्ट में चल रहा था, वो आप जीत चुके हैं? मुकदमा कोर्ट से क्लियर है, कोर्ट से बाहर है। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा? बिल्कुल, उसके बाहर है, उसके बाद सारा कुछ होने के बाद सीमांकन तभी हुआ है। लगातार हो रही डीजल वृद्धि एवं बढ़ते टोल नाके के चलते 20 जुलाई से देशव्यापी चक्का जाम किया जा रहा है, जिसके चलते आज बाईपास पर भारी वाहनों को रोका गया, उन्हें रोड पर नहीं चलने दिया। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एसोसिएशन के सदस्यों के अनुसार लगातार डीजल में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण इनके कारोबार को काफी नुकसान हो रहा है। साथ ही जगह जगह टोल नाके भी खड़े कर दिए गए हैं, जिसके चलते इन्हें काफी कीमत अदा करनी पड़ती है, इससे इन लोगों के कारोबार मुश्किल में चल रहा है। वहीं डीजल की कीमतों की स्थिरता एवं टोल नाकों को हटाए जाने की मांग को लेकर देशव्यापी चक्का जाम विगत 20 जुलाई से जारी है। चक्का जाम है 20 तारीख से, विगत 20 तारीख से चक्का जाम है, और चक्का जाम है डीजल की निरंतर वृद्धि के लिए, और टोल टैक्स का जो है कोई हिसाब नहीं है, मतलब कहीं भी, पहले क्राइटेरिया होता हुआ था 70 किलोमीटर का, और 35 किलोमीटर में भी है, 40 किलोमीटर में भी है, उनका कोई रेट का कोई पता नहीं है, और रोड टैक्स हम दे ही रहे हैं, उसके बाद भी टोल टैक्स काहे के लिए? आपकी क्या मांगे हैं जिनको लेकर बता तो रहे हैं हम आपको? एक तो डीजल कम कराया, डीजल कम क्या मतलब, डीजल को जो है GST में लाया जाए, और उसको उसकी जो डेली बढ़ा देते हैं, टोल टैक्स हटाया जाए उनको, इस टोल फ्री किया जाए। चक्का जाम में ड्राइवर लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, आज सुबह ही ड्राइवरों को सबको खाने की व्यवस्था यहाँ कराई हुई है। बोलिए बाबू, ड्राइवरों के लिए कोई परेशानी बात नहीं है, ड्राइवरों के लिए खाने की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे,
नहीं कुछ कुछ सुबह ड्राइवरों ने यहाँ पे भी गाड़ियाँ रोकी थी, कह रहे थे कि ना हमको खाने को मिल रहा ना कुछ। नहीं नहीं नहीं, कोई ड्राइवर नहीं है सर। सब जैसे गाड़ियों को कच्चा माल हुआ उसका क्या होगा? कच्चे माल वालों को हम कोई रोक नहीं रहे, कच्चे माल वालों को जाने दे रहे हैं। जाने दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें भाई साहब जी आपकी अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आप ये आपका अगला कदम क्या होगा? जनता के लिए नहीं है ये, पूरा देश व्यापी है, पूरे देश व्यापी चक्का जाम है, रोकी जाएगी। गुना के एकमात्र खेल स्टेडियम में भरा हुआ है कीचड़ एवं खिलाड़ी यहां प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। विगत दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम गुना में आयोजित किया गया, जिसके चलते बसों में गांव से भरकर लोगों को लाया गया ताकि कार्यक्रम को सफल बताया जा सके। इसके चलते बसों को खड़ा करने के लिए संजय स्टेडियम में पार्किंग बनाई गई थी, जिसके चलते खिलाड़ी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बसों के वहां पर खड़ा होने से कीचड़ भर गया है। साथ ही ना तो जिला प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही कोई आला अधिकारी। सभी खिलाड़ी मिलकर आज नगर पालिका के सीएमओ से मिलने भी गए, लेकिन उन्हें वहां से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। गुना में एकमात्र संजय स्टेडियम ग्राउंड है जिसमें सारे खेल संचालित किए जाते हैं। कल के जो प्रोग्राम से इस ग्राउंड की जो दुर्दशा है आप देख ही रहे हैं, ये कोई बस स्टैंड का बस अड्डा नहीं है और पहले ही हमारे पास खेल के लिए ग्राउंड की लड़ रहे हैं, अब इस ग्राउंड को कौन सही कराएगा? और प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इस पर स्टे, इस ग्राउंड पर स्टे के बाद में इस ग्राउंड पर क्यों बस स्टैंड को रखा गया कल बच्चों को खेलने के लिए? अब इसको सही कराने के लिए प्रशासन आता है, नगर पालिका आ रही है, तो ये बच्चे बिल्कुल नहीं खेल पा रहे हैं आज सुबह से। इसमें ये 8 महीने तक इसमें कोई भी कुछ गेम्स नहीं हो सकते अभी किसी चीज़। अच्छा हाँ, 8 महीने तक इस ग्राउंड का कोई भविष्य नहीं रहा। अच्छा, अब इसको हमारे अच्छा। पैसों से ही कराएं सही लगा के, प्रशासन को तो आना नहीं है, अब हम अपने पैसे लगाएं तो ये सही हो पाएगा। अच्छा, ग्राउंड में क्या प्रोसेस होना चाहिए ये जब ये सही लेवल आ पाता है इसमें? अब ग्राउंड में इसमें पहले तो गड्ढे भरे जाएंगे, फिर इस पर रोलर चलेगा, उसके बाद ये प्रोसेस होगा। ये ट्रैक जो रनिंग करने वालों का ट्रैक था ये तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ये ट्रैक अब दोबारा बनेगा भी नहीं। मतलब आप मानते हैं कि ये घंटे के प्रोग्राम के लिए बच्चों का 8 महीने का खेल खत्म? खेल खत्म हो गया सारे गेम्स का, क्रिकेट के नहीं, सारे गेम्स का खेल खत्म हो चुका है इस ग्राउंड पे। अब इसका मतलब अभी 8 महीने तक कुछ नहीं हो सकता इसका। प्रशासन को सुध लेना चाहिए थी, प्रशासन को आना चाहिए थी, इसको सही कराना चाहिए थी। ना कोई प्रशासन आ रहा है, ना कोई अधिकारी आ रहा है इसको देखने के लिए। ये बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों प्रशासन की तरफ से? पूरे बच्चों का खेलने का सामान है, आप देख ही रहे हैं अभी पानी का मैंने आपको बताया है, ये निकल रहा है, पहले ये बंड था, इसको बंड को खुदवाया नहीं गया है। अब ये बच्चे हमारा 1.5 लाख रुपए का सामान इसमें था, पूरे बच्चों का खेलने का सामान खराब हो चुका है, पानी भर गया, पानी उसमें से ही आ रहा है, कमरे में से ही पानी निकल कर आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो अब ये बेचारे ये बच्चे जो खेलने आएंगे उनके लिए क्या इंतजाम किए जाएंगे? अब उनके लिए सर हम हमारे उससे ही इंतजाम करेंगे इनके लिए खेलने के लिए, ना कोई प्रशासन सुन ले रहा है इस चीज़ के लिए। प्रशासन सिर्फ खिलवक कल्याण का अपना समर कैंप लगाता है, उसके बाद भूल जाता है बच्चों को कि बच्चे और भी अभी पूरे 12 महीने खेलते हैं, यहाँ पे व्यवस्थाएँ करना चाहिए। यहाँ किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है संजय स्टेडियम में, नुकसान कर दिया गया है। जगहें इतनी हैं जब भी संजय स्टेडियम क्यों चुना गया? जबकि हाईकोर्ट का इस पर स्टे है कि इसमें कोई प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं करा जाएगा, उसके बाद भी पता नहीं यहाँ के जो संचालित कर रहे हैं कुछ लोग डरते हैं इसमें कहने से कि बड़े अधिकारियों से सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से इस ग्राउंड की ये दुर्दशा है। स्वास्थ्य विभाग इन दिनों खुद बीमार चल रहा है। कुछ दिनों पूर्व हमने आपको भदौरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में बताया था, आज आपको हम बमोरी के फतेहगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें दिखाते हैं।
इस स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ पर जब मरीज आता है तो पहले वो डॉक्टर को बुलाने जाता है, उसके बाद बाकी स्टाफ को, जिसके बाद इलाज शुरू होता है मरीज का। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की आवश्यकता से ज्यादा छूट दिए जाने का फायदा यहाँ के स्टाफ बखूबी उठा रहा है, लेकिन परेशान मरीज और उसके परिजन हो रहे हैं। अक्सर यहाँ पर कमरों में ताला लगाया देखा जा सकता है, मरीज चाहे भर्ती हो या नहीं, कमरों में ताले ही रहते हैं। वहीं एक मरीज के परिजन ने हमें बताया कि वे विगत दो दिनों से वहां पर इलाज के लिए भर्ती है, इसके बाद भी डॉक्टर और कंपाउंडर को बार बार बुलाने जाना पड़ता है। चलो मैं डाल रहा हूँ, मैं तेरा अभी तक गांव में आ रहा तो डाल दे। मरीज आता है ना, जब ही आते है ऐसे कोई नहीं रहता है, कमरे अपने अपने कमरे पे चले जाते हैं, सब अपने घर पे चले जाते हैं। तो घर का इन लोगों के ये इधर पास में ये कमरा है ना उनका, वहाँ से बुला के लाना पड़ता है। तो ऐसे ही सारे मरीज लोगों को बुला के लाना पड़ता है, सब ऐसे ही लाते हैं, 12 बजे तक बैठते हैं, 12 बजे के बाद में जो कोई मरीज आता है उनको बुलाने जाना पड़ता है, बुलाने जाना पड़ता है। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बिंडरा से आए हैं। बिंडरा से? तो यहाँ आपके अलावा और भी मरीज हैं इधर? नहीं अभी, अभी आप ही हो पूरे हॉस्पिटल में? हाँ अभी। आप कितने दिनों से हो गए? आज ही एडमिट हुए हम तो अभी आए। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि आपको ही बुला के लाना पड़ा था? हाँ हमको बुला के लाना पड़ा, बुला के लाना पड़ा। हाँ। था तो आप कितने बजे आए थे? हम आ गए थे 12 बजे करीब। 12 बजे के करीब आ गए थे। तो आप लोग घर पे बुलाने गए थे? झागर से जालम किरार की रिपोर्ट। गुना को फतेहगढ़ से जोड़कर राजस्थान जाने वाली मुख्य मार्ग की पुलिया हो गई ध्वस्त। तकरीबन एक माह पहले बनाई गई इस पुलिया की हालत ऐसी है जैसे बरसों से इसकी और किसी ने ध्यान ही नहीं दिया हो। बारिशों के चलते पुलिया के ऊपर से पानी गुजर रहा है, साथ ही अपने साथ ले गया पुलिया पर डाली गई डामर की रोड। यहां से निकलने वालों को खासी मशक्कत का सामना तो करना ही पड़ रहा है, वहीं कई बार दोपहिया वाहन चालकों को यहां पर गिरता भी देखा गया है। ये रोड बीच में से टूट चुका है पूरा, अभी काफी ज्यादा दिन नहीं हुआ, 15 या 20 दिन पहले ही इसका काम पूरा हुआ था। और ये देखो,
कुछ कुछ जगह इसमें से दरार भी पड़ चुकी है। ये देखो जागर से हमारे सहयोगी जालम किरार की रिपोर्ट। खराब रास्तों के चलते आज एक निजी स्कूल की बस फंस गई, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन वह टल गया। इस बस को निकालने के लिए दो और बसों को बुलवाया गया। हम बात कर रहे हैं गुना शहर के A1 कॉलोनी की, जहां एक निजी स्कूल की बस बच्चों को छोड़ने के लिए पहुंची थी। वहीं रास्ता खराब होने की वजह से उसके दो टायर जमीन में ही धस गए। गनीमत रही उस समय बस में बच्चे सवार नहीं थे। यदि बस में बच्चे सवार होते और बस भरी होती तो वो पलट भी सकती थी, और यदि वो पलटती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था यह कल्पना से परे है। लेकिन गनीमत रही कि उस समय बच्चे कम थे, जिस वजह से बस पलटी नहीं। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यदि इस खराब सड़क की वजह से आज बस पलट जाती और उस पे कई बच्चे सवार होते तो इसका जिम्मेदार कौन होता। डीजीएन में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।